हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारे पास वो है, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल, मींस एक यूनिफॉर्म रोड है उसकी लेंथ एल गिवन है आपको, लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। तो ये लेंथ एल है और ये स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे है, तो लेंथ एल है इसकी। अ पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक द रोड, मीन्स एक पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा है यहाँ। इस पार्टिकल का मास हमने मान लिया m और ये मूव कर रहा है u स्पीड से, वो स्ट्राइक करता है, मींस इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कोलिजन। तो ये यहां पे क्या करेगा, कोलाइड करेगा। आगे क्या कह रहा है वो, एट द एंड, एंड पे कोलाइड करा, परपेंडिकुलरली करा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ द रोड, मींस ये रोड का सेंटर है, तो रोड का सेंटर में जहां पे सेंटर ऑफ मास उसका लाइज करेगा, यूनिफॉर्म रोड है हमारे पास, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस वो पूछ रहा है आपसे ऑफ द रोड बाय द टाइम इट टर्न थ्रू ए राइट एंगल, जब ये राइट एंगल पे टर्न करेगी, मीन्स जब ये पार्टिकल इसको हिट करेगा, तो हिट करने के बाद जो है वो रोड जो है वो रोटेट करती हुई आगे की तरफ को मूव करेगी, और जब उसका एंगल जो है वो इनिशियल के पाई बाई टू हो जाएगा, उस टाइम पे वो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, मीन्स ये उसकी इनिशियल कंडीशन बन गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जब उसका जो टर्न है वो कितना हो जाता है, पाई बाई टू, तो वहाँ तक जो है वो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो इनिशियली तो रोड रेस्ट में है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, जीरो। लेकिन जब वो स्ट्राइक करा पार्टिकल, तो स्ट्राइक करने के बाद पार्टिकल्स जो है वो किस में आ गया, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आ गया, और जो रोड है वो बी वेलोसिटी से क्या करना शुरू कर दी, मूव करना शुरू कर दी। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या है, वी, कोलिजन के बाद। अब जो टर्न यहां पे आया उसमें, वो टर्न कितना आया, वो टर्न जो आया वो पाई बाई टू आया, और सपोज जो है वो टी टाइम में ये पाई बाई टू एंगल्स पे वो टर्न करती है, तो यहां पे हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, पाई बाई टू अपॉन टू टी, ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मैं यहां से टाइम डिटरमाइन करूं तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा पाई अपॉन टू ओमेगा। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, इस पूरे को हम एक सिस्टम मानेंगे, तो इस सिस्टम के अंदर दो आपके पास, एक तो पार्टिकल है, दूसरी क्या है, रोड है। अब सेकंड देखो आगे उसने क्या कहा है कि शो दैट, आपको ये भी शो करना है कि इफ, अगर मास ऑफ रोड जो है वो 4 टाइम दैट ऑफ पार्टिकल है, मीन्स रोड का जो मास है वो 4 टाइम है मास ऑफ पार्टिकल के, तो मास ऑफ पार्टिकल m है, तो रोड का मास क्या हुआ, 4m हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि जो कोलिजन होगा वो आपका वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन। तो दो टर्म्स हमें यहाँ पे बतानी है, दो आंसर है हमारे पास यहाँ पे जो कि हमें एक्सप्लेन करने हैं, फर्स्ट उसका डिस्टेंस और सेकंड कि जो कोलिजन होगा वो कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो इलास्टिक कोलिजन होगा। अब इस सिस्टम के अंदर बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम के अंदर, सिस्टम के ऊपर, वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, जीरो, और एक्सटर्नल टॉर्क भी यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम किसकी यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने अप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये मेरे पास जो है वो इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, और ये मेरे पास जो है वो फाइनल कंडीशन हो जाएगी, और ये जो हमने बीच में ले रखी है ये जो है वो ड्यूरिंग कोलिजन है, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे किसका मोमेंटम आ जाएगा, कोलिजन से पहले जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम आ जाएगा, तो कोलिजन से पहले पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो क्या आ गया, एम यू, और कोलिजन से पहले रोड का मोमेंटम, रोड की देखो वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रोड रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम क्या आएगा यहाँ पे, जीरो, इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन की बात करो तो आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है,
तो आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और रोड जो है वो बी वेलोसिटी से क्या कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, और तो रोड का मोमेंटम जो आ जाएगा, रोड का मास कितना है 4m, और रोड जो है वो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो u कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, u जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 4b। तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सेकंड जो है एक्सटर्नल टॉर्क भी वहां पे क्या है, जीरो। तो यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एंग्रो मोमेंटम को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब वो पार्टिकल स्ट्राइक करता है परपेंडिकुलरली एंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो रोड के पास जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रोड के पास कोलिजन के बाद ट्रांसलेशनल मोशन भी है और साथ में रोटेशन मोशन भी है। तो जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम आएगा वो इन रोड के केस में ट्रांसलेशन मोशन की वजह से भी आएगा और रोटेशन मोशन की वजह से भी आएगा। तो बिफोर कोलिजन की पहले बात करें तो बिफोर कोलिजन जो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आएगा, और किसके अबाउट आएगा ये, सेंटर ऑफ मास के। तो ये किसके अबाउट आएगा, ये अबाउट आएगा सेंटर ऑफ मास के, प्लस एंगुलर मोमेंटम आएगा किसका, एंगुलर मोमेंटम आएगा रोड का, और किसके अबाउट आएगा वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास आएगा, क्लियर, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद फर्स्ट तो आ जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस अब यहां पे देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड आएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड जो है वो दो आएंगे, एक तो उसकी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से आएगा और एक इसकी रोटेशन मोशन की वजह से आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड आएगा, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू रोटेशनल मोशन और अबाउट द सेंटर ऑफ मास, प्लस एंगुलर मोमेंटम जो आएगा रोड का वो ड्यू टू लीनियर मोशन आएगा या फिर ट्रांसलेशनल मोशन आएगा, ड्यू टू लीनियर मोशन आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब वैल्यूज देखो इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसका अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास है, तो इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, एल बाय टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे है, तो हमारे पास क्या आएगा, एम यू आर, आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एल बाय टू। तो ये मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, ये मेरे पास टर्म आ जाएगी एम यू इंटू एल अपॉन टू, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है इनिशियली बिफोर कोलिजन वो क्या है, जीरो है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है, जीरो सेंटर ऑफ मास से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, अब देखो कोलिजन के बाद जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, जीरो, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड आएगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की वजह से जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड आएगा ड्यू टू लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन की वजह से जो आएगा हमारे पास वो उसका मास, उसकी रोड की वेलोसिटी, लेकिन रोड का जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो, तो इंटू जीरो मीन्स ये भी क्या बन जाएगा, जीरो, ये पूरी टर्म भी क्या बन जाएगी, जीरो। तो मेरे पास जो टर्म यहाँ पे आएगी वो टर्म क्या आएगी मेरे पास, एम यू एल अपॉन टू इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब आई की वैल्यू जो हमने पुट करनी है वो बहुत केयरफुल पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा, वो आएगा मास ऑफ रोड इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि मास ऑफ रोड जो है वो क्या है, 4m, ये 4m l square upon 12 आएगा यहाँ पे, अदरवाइज आप डायरेक्ट m l square upon 12 पुट करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पे।
क्योंकि मास ऑफ रोड जो है वो 4m लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या होगी टर्म, ये मेरे पास आ जाएगी एम यू एल अपॉन टू, और ये आ जाएगा 4m एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा। तो ये मेरे पास जो टर्म है सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगी, देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 6 का जो है वो क्या बन जाएगा 12। तो मेरे पास यहाँ पे जो यू आएगा वो यू आएगा 4/6 इंटू ओमेगा, और एक एल यहाँ पे बच जाएगा दैट इज एल। अब देखो यहाँ पे तो यू कितना आ गया मेरे पास, यू आ गया मेरे पास 2/3 ओमेगा एल। अब वैल्यू जो है वो यू की वैल्यू पुट करो क्वेश्चन नंबर 2 से, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो यू की वैल्यू है वो कितनी है 4b, तो यू जो है वो 4b आएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा 2/3 ओमेगा एल। तो यहाँ से हम जो है वो वी की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम डिटरमाइन करेंगे। तो v की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू जो आ जाएगी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 दैट इज ओमेगा एल अपॉन 6। तो ओमेगा एल अपॉन 6, और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट जो है उसने क्या पूछ रखा था, डिस्टेंस पूछ रखा था जब रोड जो है वो टर्न कर जाए कितने पे 90 डिग्री पे। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे डिटरमाइन कर लो, तो डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस मेरे पास जो आएगा वो जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट इज वो वी इनटू टाइम। तो वी आपको ये गिवन है और टाइम ये आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी जो है दैट इज ओमेगा एल अपॉन 6 इनटू टी जो है दैट इज पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आ जाएगा, और ये रह जाएगा एल पाई अपॉन 12, एल पाई अपॉन 12। ये तो फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास। अब हम बात करते हैं सेकंड आंसर की, तो सेकंड आंसर हम यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि जो उसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखो आप, तो इसका सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसे, कि अगर मास ऑफ रोड जो है वो 4 टाइम है, वो तो हमने लिया हुआ है, तो पार्टिकल ऑफ द कोलिजन इज इलास्टिक, तो इस केस में क्या होगा, जो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा दैट इज ई जो होगा वो कितना आना चाहिए 1। तो ये प्रूव करना है हमें, तो यहाँ पे ई जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोलिजन के बाद किस वेलोसिटी से वो क्या हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे आएगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब देखो यहाँ पे भी आपको दोनों मोशन लेनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन मोशन भी लेनी पड़ेगी और ड्यू टू रोटेशन मोशन भी लेनी पड़ेगी वेलोसिटी। तो पार्टिकल तो रेस्ट में है, तो रोड की ही वेलोसिटी की बात की जाएगी यहाँ पे, और उसकी जो ट्रांसलेशन मोशन भी होगी वहां पे और रोटेशनल मोशन भी होगी, तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जो ट्रांसलेशन है बी आ जाएगी, प्लस रोटेशन की वजह से जो है वो मेरे पास कितनी आएगी, रोटेशन की वजह से वो आएगी ओमेगा एल अपॉन 2। तो उसकी वजह से जो आ जाएगी दैट इज ओमेगा एल अपॉन 2, क्योंकि ये मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो एल वाई 2 होगा अपॉन आएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो क्या है यू, तो ओमेगा इसकी जो जब रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और वो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसका यहाँ से हमने फिगर को रब कर दिया था, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा सेंटर ऑफ मास से वो कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस आएगा दैट इज एल वाई 2, ओमेगा इंटू एल वाई 2। अब ओमेगा की एल की जो है वो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा एल की वैल्यू देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, तो ये शाम को हम यहाँ से आप कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई की जो है वो कितना आ जाएगा मेरे पास अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है यू, तो ई जो है वो कितना आ जाएगा
वी प्लस, अब ओमेगा एल देखो, ओमेगा एल कितना आया यहाँ से, ओमेगा एल जो है वो 6v आ जाएगा, तो ओमेगा एल जो है वो कितना आ जाएगा 6v, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। अब u की वैल्यू जो है, और u हमने यहाँ पे निकाला था जो है, तो u जो था मेरे पास कितना था, u जो था वो 4v था, देखो हमने यहाँ पे पुट किया था u की वैल्यू 4v। तो यहाँ से v, यहाँ से 2 3 6, तो ये मेरे पास बन गया v प्लस 3v अपॉन 4b, और ये आ गया मेरे पास 4v अपॉन 4b, और e की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई मेरे पास 1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट उसने पूछा था, तो फर्स्ट डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा एल पाई अपॉन 12, और सेकंड उसने ये बोला था कि अगर रोड का मास जो है वो 4 टाइम है मास ऑफ पार्टिकल के, तो उस केस में क्या होगा, जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन की वो हमने प्रूव कर दी, दैट इज ई इज इक्वल टू 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।